फिजिकल पॉलिसी इन देंद्र आई एस एल एम मॉडल सो लास्ट मॉड्यूल में हमने मॉनिटरी पॉलिसी को डिस्कस किया था आज हम फिजिकल पॉलिसी पर बात करेंगे इसमें हम केस ले रहे हैं एंड इंक्रीज इन द गवर्मेंट परचेज सो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज गवर्नमेंट परचेज ए टेम्परेरीज इन गवर्नमेंट परचेज विल शिफ्ट द आई एस कर्व आप जानते हैं कि आई एस कर्व हम जो पढ़ चुके हैं कि डिटेल में ये एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की इक्वालिटी के गुड्स मार्केट को रिप्रेजेंट करता है तो गवर्नमेंट परचेजेस जब बढ़ेंगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इट विल शिफ्ट द आई एस करो आप इन शॉर्ट टर्म आउटपुट एंड द रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ग्राफ से हम इसको समझते हैं इनिशियली इकोनॉमी जो है वो ई e पॉइंट पर है ई e पॉइंट पर क्या है आई एस वन ओके एल एम वन और एफ ई लाइन ये ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पर सो एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेस विल शिफ्ट आई एस कर्फ ये आपके पास आई एस सेकेंड हो जाएगा रेड वाला कर्व हो जाएगा तो शॉर्ट टर्न में क्या होगा शॉर्ट टर्न में इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम ई टू एफ ठीक है इस पर हम बात करते आए हैं कि शॉर्ट टर्न में फॉर्म जो है वो डिमांड की जो चेंजेस है उसको वो मीट करने की कोशिश करती है तो उसको वो अपनी एफ़ ही लाइन से वो डिफरेंट ऑपरेट करे कर सकती है सो शॉर्ट टर्म में एक ई e से शिफ्ट हो जाएगा एफ पर और एफ का मतलब यह है कि वाई टू आउटपुट प्रोड्यूस करना है ठीक है और आउटपुट में इजाफा हो गया और दूसरा क्या हो गया रियल इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो गया शॉर्ट टर्म में ओके okay, जो हम मनी की और फिजिकल uh, पॉलिसी की जिस पर हम अब बात कर रहे हैं तो इसका इंपैक्ट रियल वेरिएबल पर क्या हो रहा है कि आउटपुट बढ़ रहा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ आउटपुट के बढ़ने से इस जो आपका लेबर डिमांड कर रहा इफेक्टिव ये आउटपुट जब बढ़ेगी तो इसका मतलब ये कि एम्प्लॉयमेंट लेवल में इजाफा हो जाएगा सो so, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा शॉर्ट रन में आउटपुट बढ़ जाएगी रियल इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाएगा लॉन्ग रन में क्या होगा ज़ाहिर है जब अपनी वो नॉर्मल लेवल पर फॉर्म प्रोड्यूस नहीं कर रही उससे हायर लेवल पर प्रोड्यूस कर रही हैं तो फिर लॉन्ग रन में प्राइसेस में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और प्राइसिस में इजाफे की वजह से एल एम कर जो है वो लेफ़्ट जो अपवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा एल एम टू पर इकॉनॉमी आ जाएगी और फाइनली लॉन्ग रन में इकॉनॉमी एच पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में हो जाएगी ओके एच पॉइंट पर क्या सूरत हाल है आउटपुट लेवल वही है जो पहले था क्या शॉर्ट टर्म में जो इजाफा हुआ था वो वापस हो गया लेकिन रियल इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा हो गया और एम्प्लॉयमेंट लेवल और आउटपुट लेवल में कोई चेंज नहीं आएगी ये फिजकल पॉलिसी का इम्पेक्ट है कैंडियन मॉडल में सो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज गवर्नमेंट परचेजेस मल्टीप्लायर इफेक्ट आप फेमिलियर होंगे अपने जो इससे पिछले मैक्रो के कोर्सेज में उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है डेल्टा बायो ओवर डेल्टा जी के स्पेंडिंग में जब इजाफा होता है तो उससे आउटपुट uh, में कितना इजाफा होता है सो हाउ मच

चेंज आती है तो उसकी वजह से लेबर सप्लाई इफेक्ट होती है और उसकी वजह से एफ लाइन इफेक्ट होती है जबकि कैंस के मॉडल में हमने देखा है कि ये एफ लाइन उससे इफेक्ट नहीं हो रही आई एस एल एम और एग्रीगेट डिमांड उससे इफेक्ट हो रही सो इन द दिन मॉडल द एफ लाइन डज नॉट शिफ्ट ओनली द आई एस कर्व सो वेन प्राइसिस एडजस्ट इन द लॉन्ग रन कैसे एडजस्ट करेंगी प्राइसेस में इजाफा होने की क्योंकि वो नॉर्मल लेवल से अबव अब था तो प्राइसेस में इजाफ़ा हो जाएगा उससे रियल मनी सप्लाई में कमी हो जाएगी एल एम करव शिफ़्ट कर जाएगा सो एक इज अटोड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ़ आउटपुट विद ए हायर रियल इंटरेस्ट रेट दैन बिफोर अभी मैंने डायग्राम से आपको बताया था कि लॉन्ग रन में क्या होगा आउटपुट वही होगी बट इंटरेस्ट रेट जो है वो पहले से बढ़ जाएगा तो ये फिस्कल पॉलिसी का हमने एनालाइज किया कि वो उसका क्या रोल है कि इंडियन मॉडल में वो किस तरह से अफेक्ट करती है डिफरेंट माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को थैंक यू